हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नो ऑयल, ज़ीरो घी, ज़ीरो फैट फूड में लाए हैं। बनाएंगे लौकी। ये बहुत अलग तरह की लौकी बनाएंगे और बहुत टेस्टी होती है। इसके लिए मैंने तकरीबन 700 ग्राम लौकी थी, आधा किलो से ज़्यादा थी और एक किलो से कम ऐसी थी, 700 ग्राम 750 ग्राम ऐसी लौकी रही है। वो मैंने छिलका उतार के और काट लिए ऐसे पीसेस में, बहुत छोटे पीसेस नहीं काटे हैं। देखिए मैंने, नहीं तो घुट जाती है ज़्यादा सीटी लगाने से, तो इसलिए ठीक ठीक पीसेस रखे हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं लौकी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्लेम पर कुकर चढ़ा दिया है, फुल फ्लेम पर है। इसमें मैं आधा कप भुनी हुई चने की दाल डालूंगी, बस आधा कप, और इसको मैं अच्छे से लाल होने तक भून लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये गुलाबी गुलाबी भुन गई है। इसको मैंने फ्लेम को सिम कर दिया है। इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून, उसे ज्यादा नहीं डालेंगे। लौंग, काली मिर्च, करीब 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्च, थोड़ी सी हींग, बहुत जरा सी, तकरीबन 2 चुटकी बस। और बस इसको देखिए, ये जरा सा चलाएंगे क्योंकि दाल भून रही है उसमें। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी ही डालेंगे। और हम डालेंगे थोड़ी सी पिसी अदरक, तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, जो मैंने मिक्सी में पीस लिए थे। टमाटर मैंने फ्रेंड्स देखिए 4 से 5 टमाटर आप डालिए इसमें, तकरीबन देखिए छोटे टमाटर हैं तो आप 5 डाल सकते हैं, और अगर मीडियम हैं तो आप 3 से 4 टमाटर डाल सकते हैं। और इसको हम भून लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का, बहुत ही अच्छा कलर आया है सब्जी का। इसमें मैं दही डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसको भी मैं इस मसाले के साथ अच्छे से भून लूंगी। और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये भुन रहा है मसाला। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून धनिया, पिसा हुआ धनिया घर का, और इसको हम पूरे मसाले में मिला देंगे और इसको हम भूनेंगे अच्छे से। इसमें आपको प्याज लहसुन डालना है तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला क्योंकि इसमें फिर लौकी का टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो मैं इसमें नहीं डालती हूँ। ये देखिए गाढ़ा होने लगा मसाला। इसमें मैं पिसी लाल मिर्च भी नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैं 3-4 हरी मिर्चें तोड़कर ऐसे डाल दूंगी, छोटे टुकड़े नहीं किए हैं। लौकी इसमें डाल रही हूँ, जो भी लौकी मैंने काट के रखी थी। लौकी को मैं पूरा मसाले में ऐसे लपेट लूंगी अच्छे से। लौकी में ये मैं पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 कप अभी। ये आप उतना पानी डालिए कि लौकी डिप हो जाए, बस उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हरा धनिया मैं अभी डाल दूंगी। मैंने आधी कटोरी से ज़्यादा हरा धनिया रखा है, तकरीबन आधा कप हरा धनिया, बहुत महीन नहीं काटा है, इसी में मैंने काट के ये मिला दिया है। और अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक और गरम मसाला। मैं गरम मसाला डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, जितना आपको नमक चाहिए। मैं सेंधा नमक खाती हूँ, जो व्रत का नमक होता है डेली यूज में भी।
बस अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे और अच्छे से पकाएंगे इसको। मैं कम से कम इसमें 5 से 6 सीटी लगाती हूँ, कम सीटी नहीं लगाती हूँ। और ये काफ़ी गल जाती है कि इसमें दही भी है, टमाटर भी है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ डालूंगी, बस 1 टीस्पून मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है टुकड़ा काट के। और मैं इसको देखिए प्रेशर लगा रही हूँ और इसमें मैं 5-6 सीटी लगाऊंगी और फिर गैस को ऑफ कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम खौलती हुई सब्जी तैयार है, गरम गरम बढ़िया। इसमें हरा धनिया अंदर पड़ा है, भुनी चने की दाल है, दही है, इसका टेस्ट ही अलग है। गरम मसाला है पिसा हुआ, खड़ा गरम मसाला है। इसमें मैंने प्याज टमाटर देखे नहीं डाला, इसीलिए नहीं डाला कि इसमें आपको इन सब चीज का अलग अलग टेस्ट पता चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें चने की दाल जो मैंने भुनी हुई डाली है, अगर आप इसमें नॉर्मल चने की दाल डालना चाहते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चने की दाल भिगोनी पड़ेगी 4-5 घंटे पहले, जिससे वो फूल जाए और थोड़ी गल जाए, नहीं तो गलने में टाइम लेती है। लौकी जल्दी गल जाएगी, दाल नहीं गलेगी। तो इसीलिए हमें ऐसा, इसलिए मैं इसमें भुनी हुई दाल डालती हूँ कि वो सूखी भून लेती हूँ, उसका टेस्ट ही अलग आता है बिल्कुल। तो वो इतनी टेस्टी लगती है इसके साथ भुनी हुई चने की दाल। अगर आप नॉर्मल चने की दाल ले रहे हैं तो आप उसको भिगो लीजिए 4-5 घंटे पहले, 6-7 घंटे पहले। जब वो फूल जाए, और 2 टेबलस्पून बस बहुत होगी, वो लेकर फिर उसको आप छलनी में रख दीजिए सूखने के लिए पंखे में। जैसे मैंने आपको दिखाई थी ना उस दिन अरहर की दाल मैंने बनाई थी, पिछले आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने जो मसाला दाल बनाई है, तो वो मैंने उसमें उड़द की दाल, मूंग की दाल और ये डाली थी मैंने दालें, तो उसको मैंने धो करके सुखा लिया छलनी में, फिर भून लिया लाल लाल। तो उस तरह भी आप चने की दाल डाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको चने की दाल भिगोनी जरूर पड़ेगी, नहीं तो लौकी और दाल अलग गला कर फिर मिलाइए, नहीं तो चने की दाल नहीं गलती है और वो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो इसलिए मैं इसमें भुनी चने की दाल डालती हूँ और उसको लाल भून लेती हूँ। इसमें स्वाद, इसलिए मैंने इसमें प्याज और लहसुन नहीं डालती हूँ, इसमें टेस्ट ही आता है लौकी के साथ हरी मिर्च। देखिए मैंने लाल मिर्च नहीं डाली, आप हरी मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने 3 डाली, आप 4 डालिए, 5 डालिए, अपने टेस्ट से डालिए, लेकिन आप इसमें डालिए हरी मिर्च, लौंग, काली मिर्च, दही, पिसा गरम मसाला और भुनी चने की दाल, इन सबका, और जो हरा धनिया अंदर इसमें पड़ जाता है उसका टेस्ट ही अलग आ जाता है। तो आप इस तरह से बनाइए ये लौकी और खाकर देखिए। जो लौकी नहीं खाता होगा ना, वो भी मांग मांग कर खाएगा लौकी, कि लौकी इतनी टेस्टी बन सकती है, वो भी बिना घी तेल के। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। आते रहिए मेरे चैनल पर और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।